तलाक पर नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह का करारा जवाब। शादी की चौथी सालगिरह पर खुली पोल। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नेहा कक्कड़ और रोहन प्रीत सिंह ने शादी की चौथी सालगिरह पर तलाक की अफवाहों पर विराम लगा दिया है। दोनों ने बड़े धूमधाम से 24 अक्टूबर को शादी की चौथी सालगिरह मनाई है। नेहा कक्कड़ ने इंस्टाग्राम पर पति रोहन प्रीत सिंह के साथ कुछ तस्वीरें शेयर की है। साथ ही रोहन प्रीत के लिए प्यारा सा एक संदेश पोस्ट किया है। नेहा ने पोस्ट पर कैप्शन लिखा है, 4 साल बीत गए, शानदार रहा लेकिन पता भी नहीं चला। मुझे हर दिन एक बच्चे की तरह महसूस कराने के लिए धन्यवाद। ऐसा लगता है कि तुम मुझे कभी बूढ़ा नहीं होने दोगे। लव यू दोस्त। हमें सालगिरह मुबारक। रोहन प्रीत ने भी नेहा को लाडो कहकर संबोधित किया है। रोहन प्रीत ने लिखा, 4 साल हो गए, रब करे हम हमेशा यूं ही एक साथ रहे। लव यू लाडो, हमें सालगिरह मुबारक। ऐसे में दोनों ने प्यार का संदेश देते हुए एक दूसरे का साथ दिया। साथ ही अफवाह फैलाने वालों को करारा जवाब भी दिया। रोहन प्रीत ने तलाक की अफवाहों को किया था खारिज। कुछ तस्वीरों में नेहा और रोहन प्रीत स्टेज पर डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले महीने रोहन प्रीत ने अपने तलाक की अफवाहों को खारिज करते हुए कहा था कि इस तरह की झूठी खबरें उनके रिश्ते को प्रभावित नहीं करती हैं। एक इंटरव्यू में सलाह दी कि किसी को भी इस तरह के निराधार दावों से परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोगों के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता है। हम मानसिक रूप से जुड़े हैं, टच वुड इसके लिए तैयार हैं। निराधार दावों से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। रोहन प्रीत, ये अफवाह स्पष्ट रूप से झूठी है और हमें प्रभावित नहीं करती। आप झूठी कहानियों को अपने रिश्ते पर हावी कैसे होने दे सकते हैं? मेरा मानना है कि इस तरह के निराधार दावों से किसी को परेशान नहीं होना चाहिए। लोगों के पास हमेशा कुछ न कुछ कहने के लिए होता है। रोहन प्रीत और नेहा ने 24 अक्टूबर 2020 को दिल्ली के गुरुद्वारे में शादी की थी। इस उत्सव के बाद पारंपरिक हिंदू विवाह समारोह हुआ था। बता दें कि उनकी प्रेम कहानी उनके संगीत वीडियो नेहू दव्या के सेट पर हुई थी।